पहले रुख करते हैं कुछ और खबरों का। तो ब्रिटेन में एक बार फिर कट्टरपंथी खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। अलगाववादियों ने लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के दौरान वहां पर लोग लगे हुए झंडे को नीचे उतार दिया। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए दिल्ली में ब्रिटेन के राजनयिक को समन जारी कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से विरोध दर्ज कराते हुए ये पूछा गया कि भारतीय उच्चायोग के बाहर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई। सिक्योरिटी की कमी के कारण ही चरमपंथी परिसर में प्रवेश कर पाए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता स्वीकार नहीं हो सकती। समन में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत में ब्रिटेन के सबसे सीनियर राजनयिक को समन किया जा चुका है। हम लंदन के उच्चायोग में अलगाववादी कट्टरपंथी तत्वों के एक्शन की निंदा करते हैं। ब्रिटिश सरकार को इसका स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। जब उच्चायोग में इस तरह का काम किया जा रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही आखिरकार क्यों हुई? ये सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है।